अस्सलामुअलैकुम, की हाल है वीरां दा, भैणां भरावां दा, सारे ठीक हो? मैं गल करनी है, मैं जिहड़ा अपना मेरा फलसफा है ना, जिहड़ा मेरे दिमाग ने काम किया, वह दिमाग ने यह काम किया है कि प्यार मुहब्बत वंडाओ, बिल्कुल टेंशन लेने की लोड़ कोई नहीं। अगर टेंशन लो दे ते तबाह बर्बाद अपने करो दे, अगर मुसीबतों पैसा कमाने वास्ते मुसीबतों पवे दे तां भी तबाह बर्बाद हो जाए। ईजी ईजी कमाओ, बच्चों वास्ते दुआ करो, नमाज पढ़ी, अल्लाह अल्लाह की। नंबर एक ये कि आप साहब टाइम देना चाहिए। असी नवाज साहब थोड़े जदों तो तुसा मशवरा दिता, असी उस वक्त जनाब इंजॉय करते रहने। टाइम जिहड़ा दिता बैठा खलोता, असा उन्हें जिहड़ा हस खेड लेना ना, ये नहीं कि तुम हसने खेडने से लग जाओ, नमाज अल्लाह तला छड़ दियो, कूक जो लोग भैन भरावान तलक छलक वो छड़ के हसना खेलना शुरू कर दियो, है नहीं। हसना खेलना जरूर है, लेकिन सारे मामला के नाल बच्चों टाइम दिता, बीवी टाइम दिता, बीवी ना लड़िया झगड़िया ना, बीवी बच्चों ना लगड़िया, बच्चों ना प्यार किया, और उन्हें बता सदका जारी है ना। वेखो ना कि तुसी जिस दिन भी ये मशवरा दिता है ना, तुसी आप वेख्या रंग चेंज हो गया। असी सारी दिहाड़ी उन्हें इंजॉय करते रहे, असी कहने कि चलो नवाज साहब ने जो एक साढ़े तक नेकी की है कि अपने आप को टाइम दो, खुश रहो, सेहत ठीक रहे तो सारा कुछ ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, पैसे भी कमा रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, लेकिन जो अगे निज़ाम से ना वो मर गए रुड़ गए वो छड़ दिता है। अल्लाह का शुक्र है, हंस रहे हैं, खेड रहे हैं। पता है कि मैं इस खुशी नाल अखा चो आंसू आ गए, भला क्यों आए? कि रब मैंने पैर पूरे दिते नहीं, मैंने हाथ पूरे दिते नहीं, मैंने जिसम पूरा दिता ही। जदों मैंने एक पूरी हर शाय दी ते तेरा शुक्र है, वह शुक्र अदा करिए। मैं केडा जाना, मेरे बंदे मजदूर नहीं, बंदे मुख्तलिफ नहीं मामलात उन्होंने। मैंने अल्लाह तारा रोटी दी है, टुकर दी है, कोट शर्ट पाए, कपड़े पाए, मौजा करने पे, वह शुक्र खुदा की कसम है। मैं सारी रात सजदे प्यारवां नहीं पूरा कर सकता, बेशक और पाना चाहिए। बेशक हर बंदा अपने मामलात नहीं दसदा मामलात की, क्योंकि यह रियाकारी हो जाती है, लेकिन यह सजदे च रहना चाहिए। नमाज पढ़ी, अल्लाह अल्लाह किया, तुहाडे जिहड़े काम तुसी सोचदे हो ना पहुँचने तो पहले वो काम हो चुके होण दे, तुसी उस जगह पर जिससे मतलब तुसी सोच रहे हो ना कि यह काम तुसी अल्लाह दे हो जाओ। तो ये दसो कि मालक जिहड़ा किसी जो जॉब जगह जॉब करते हो वह मालक है, वो को काम करते हो वो मालक जिहड़ा है, तुहानू अगर तुसी परेशान होवो तो तुहानू परेशान होण देवेगा, तुसी उहदे वफादार नहीं होण देणा। तो रब की जात ते कितने कितनियां मावां तो ज़्यादा प्यार करता है, तो वह परेशान हो जाता है, वो थोड़े ना जरा थोड़ा जहा करेगा उन फारग समझ आइए ना। तो रूह नहीं तंग करना, अब साहब रूह तंग नहीं करना। रूह के मतलब जी उस दिन असं पढ़े रूह के मतलब रूह जी रूह जूह ने रूह जड़िया हूँ असं इतनी इस तरह ज्यादा नहीं गल करनी कि मजहबी हो जाए। नहीं नहीं ये रूह के मतलब यह है कि रूह न हक तंग करना अल्लाह की जात को बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह की जात कहती है कि जरा रूह ना हक तंग करेगा मैं उस कौम को बर्बाद कर देंगा, उस कौम तबाह कर देंगा। नहीं रूह के बारे बिल्कुल थोड़ी गल 100% है, लेकिन मैं कहना कि यह भी है कि तुम आखते हो तो अक छड़ दियो, किसी भैन भरा सज्जन आखते हो तो अक छड़ दियो, अल्लाह ताला अल्लाह की रजाव छड़ दियो, तो मामला सारा सिद्धा हो जाएगा।